पहने रहे गांव का लोग से मिलने नहीं करता है, छुपा के रहता है छिप के। क्यों बोलो हमारा यदि वायलेशन कम हो जाएगा, यही ले लो दूसरा का बात। अभी हम कितने टाइम हो गया, आधा घंटा तो हो गया घूमते घूमते इनके पीछे, एक घंटा हो गया। कहना कि वो किसी से नहीं मिलते, उनमें अलग ही आ गई कि पैसा आ गया तो अब क्यों मिलना है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो हमारी जो बिहार की सीरीज चल रही थी इसके अंदर हम आज कहाँ आए हैं, जो आज का व्लॉग होने वाला है भाई, तुम मतलब मैं आया हुआ हूँ साहेबगंज में, बिहार के साहेबगंज में, जहाँ पर बिहार के जो अभी टॉप पे हमारे बिहार से जो यूट्यूबर चल रहे हैं उनके घर आए हुए हैं। तो आपको इतने में जो यूपी और बिहार से जो बिलोंग करते हैं लोग उनको तो पता ही लग गया होगा अभी कौन चल रहा है। अभी हम आए हुए हैं मनी मिराज के घर पे, तो अभी चलते हैं उनके घर पे। जस्ट मैं उनके चौक पे आ गया हूँ, साहेबगंज के चौक पे आ गया हूँ, तो अब चलते हैं उनके घर पे कि मनी मिराज वो हमसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने उनको मैसेज किया था तो बट अब रिप्लाई नहीं आया, बट मैं आ गया हूँ, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। चलते हैं और मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तो गाइज हम अब पहुँच चुके हैं मनी मिराज जी के घर पे, और ये जो जस्ट सामने आपको जो दिख रहे हैं ये है मनी मिराज जी के भाई, और ये अभी शायद कोई रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम या किसी चीज़ की। तो दो मिनट वेट करते हैं और फिर बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ पर है मनी मिराज जी और उनसे मिलते हैं। तो गाइज ये है मनी मिराज जी का घर जो जस्ट सामने है, और हमने बात करी भाई से तो वो कह रहे हैं कि मनी मिराज जो है वो गए हुए हैं दिल्ली, किसी वीडियो की शूटिंग पे गए हैं, गाने की शूटिंग है, बट जो उनकी टीम है वो यहीं पर है। तो मैंने उनसे पूछा बहुत कि हाँ कहाँ पे है, एटलीस्ट टीम से तो मिल ही ले। फिर उन्होंने बहुत देर बाद बताया कि शायद इनके स्टूडियो में है टीम, तो हम चलते हैं स्टूडियो में और देखते हैं कि भाई उनकी टीम से तो एटलीस्ट मिल जाए, क्योंकि इतनी दूर से आए हुए हैं तो इतनी तो यार होगा कि टीम से मिल जाएंगे। तो चलते हैं और टीम से मिलते हैं इनके। हाँ वहीं पे जाइए है, अच्छा। पूछ लीजिए उसका नंबर वो नहीं है, नहीं है। नहीं है वो पहने रहे गाँव का लोग छिप के। क्यों बोलो हमारा यदि वायलेशन कम हो जाएगा, यही ले लो दूसरा का बात। मिलते नहीं है गाँव वालों से, नहीं मिलते छिप के रहता है। तो अब पहुंच चुके हैं मनी मिराज जी के स्टूडियो, ये दिखा रहे हैं जस्ट आगे अंदर गली में जाकर लेफ्ट साइड में है जो ये लोग खड़े हैं, यहीं पर उनका स्टूडियो है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी चप्पल रखी पड़ी है, और बगैर गेट बजा रहे हैं तो ये अंदर से मना कर रहे हैं कि कोई भी नहीं है, बट हम फिर भी ट्राई करते हैं, इतनी दूर से आए हुए हैं। देखो भाई कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, और अंदर से भी बोला था उन्होंने कि कोई भी नहीं है यहाँ पर, और मुन्ना माइकल की आवाज़ अंदर से आ रही है, और भी लोग हैं, पूरी टीम बैठी हुई है, मगर ये कह रहा है कि जाओ यहाँ से, कोई भी नहीं है। यार एटलीस्ट इनको ये तो समझना चाहिए कि बंदा, मैं बोल भी रहा हूँ कि मैं दिल्ली से आया हूँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए, बट इनका एटीट्यूड जो है इतना अलग लेवल हो चुका है कि ये मिलने को राजी नहीं है, और मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि यार आए हैं तो एटलीस्ट टीम से तो मिल ही ले। चलो फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ यार कि मतलब ओपन तो कर ही दे। क्या रुपये रहा का हाँ चाहे ना जवाब देना मार दे जाए नहीं है तो बोलना चाहिए ना, इतना देर से बुझाई था सब भाई तो नहीं के मारे भाई हम चले जाए फिर नहीं जाते थे। अरे भाई वो उनके भाई ने बोल दीजिए ना भाई, मैं दिल्ली से आया हूँ यार बस। अरे उनके वो उनके भाई ने बोलता उनकी टीम से मिल लेना, मैं नहा के आ रहा हूँ, आप मतलब एटलीस्ट खोल भी नहीं सकते हो यार, इतने थोड़ी वो हो गया है। तो गाइस जैसे कि देखो ये है ऑफिस टीम, जो मनी मिराज की जो टीम है उसका यही ऑफिस है। तो गाइस मैं आपको क्या बताऊँ भाई साहब, इनके अंदर इतनी हट मैं तो आपको थोड़ा साइड में आके बताता हूँ। ऑफिस में आए हैं तो मुन्ना माइकल और शशि है, ये सारे इसकी टीम जो मनी मिराज है वो तो दिल्ली चले गए हैं, और उनकी जो टीम है वो अंदर ही ऑफिस के अंदर बैठी हुई है। हम उसके ऑफिस में ढकढका रहे हैं, बोल रहे हैं तो अंदर से आके चिल्ला रहे हैं कि नहीं है कोई, और जबकि आवाज़ अंदर से आ रही है, और एक अभी आया था तो वो जो मुन्ना माइकल को हमने देखा भी अंदर है, इतनी चौड़ा गई भाई किसी से मिल नहीं रहे। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया ऑटो वाले भी यही बोल रहे थे, और यहाँ के लोकल लोग भी, मैं अभी बात भी करा दूंगा, उनका यही कहना है कि वो किसी से नहीं मिलते, उनमें अलग ही हट आ गई कि पैसा आ गया तो अब क्यों मिलना है, और वो अपने आप को अलग सुपरस्टार समझ रहे हैं भाई। गाइज
सुपरस्टार वाली फील वो कर रहे हैं कि हमें किससे नहीं मिला, हम तो सबसे ऊपर है, हम बहुत बड़े स्टार बन गए हैं। तो गाइज मैं आपको पता है कि मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ मुजफ्फरपुर सिर्फ इनसे मिलने के लिए। और ये एक मैंने इनको बोला भी कि गाइज कि भाई मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ सिर्फ आपकी वीडियो बनाने के लिए, मुझे कुछ आपसे चाहिए नहीं, मैं मांग नहीं रहा हूँ आपसे, बस एक वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो भी ये मिल नहीं रहे हैं, ये बोल रहे हैं इनको घंटा फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता है मिलना नहीं, कहीं से भी आया लोग ये अपना सुपरस्टार वाला फील ले रहे हैं और कोई किसी से मतलब नहीं है, अलग ऐट में भाई। गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर दोबारा बजाऊँगा, नहीं मिलेंगे यार गाइज, मैं कुछ नहीं क्या करूँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ फिर भी अब मुझे वापस ऐसे जाना पड़ेगा क्योंकि अभी इनके अंदर आ गई है ऐड, क्योंकि इनकी व्यूज़ आती है ज़्यादा और आपको भी पता है कि हमसे ही ये है। तो गाइज आपको भी पता है कि हम इनकी वीडियोज़ नहीं देखेंगे तो कोई ये ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते, हमसे ही ये है, बट इनको ये इन चीज़ का पता ही नहीं है, ये अपनी अलग सुपरस्टार वाली फील। अब मैं ऐसे बोलने लग गया था तो अंदर से निकल के आए और बोल रहे हैं चलो मैं मुन्ना माइकल से मिलवा देता हूँ, तो चलो मिलते हैं उनसे। मनी मिराज भैया की टीम से आपको मिलवाऊंगा। तो अभी मिले हैं भाई मुन्ना माइकल भैया, तो उनके उनका जो जैसे आप देख सकते हो कि ये स्टूडियो है, अब हमारा मनी मिराज भैया तो नहीं मिले मगर हमारा कुछ सफल हुआ जो दिल्ली से हमने वो दिल्ली से हम यहाँ पर ट्रेवल करके आए, कुछ थोड़ा सा सफल हुआ है क्योंकि भाई हमसे मिल गए। भाई आप दिल्ली से आए, भाई को आप लोग सपोर्ट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो गाइस प्लीज सपोर्ट करो यार, ऐसे ही मैं आपको मिलवाता रहूंगा और ये वादा जरूर करता हूँ कि मनी मिराज भाई से भी मिलवाऊंगा, जस्ट कुछ दिन बाद दोबारा आऊंगा मैं आपके लिए और मिलवाऊंगा जरूर। ठीक है तो करते हैं भाई, थैंक यू।